हरे कृष्णा सो वेलकम बैक नाउ टुडे इज द फर्स्ट डे आज से हम हमारी भगवत गीता स्टडी शुरू करने वाले हैं विल बिगिन विद प्रेयर्स श्री श्री राधा माधव की जय श्री श्री निताय गौरंग की जय श्री लक्ष्मी देव अनंत देव की जय ग्रंथराज गीता की जय जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय और मेरा एक फ़्लो रहेगा मैं अपनी स्पीड से बात करता हूँ कहीं कहीं पे मैं आपको भगवत गीता का कोई वर्स खोलने को बोलूँगा कोई चैप्टर खोलने को बोलूँगा तो आप देखेंगे कि भगवत गीता में जैसे डिक्शनरी में ऊपर वर्ड्स होते हैं वहाँ से आप पता कर कर सकते हैं जल्दी से कि वो चैप्टर और वर्ड्स कहाँ हैं डिक्शनरी अगर आपने हार्ड कॉपी कभी देखी उसी तरह से भगवत गीता में भी अगर आपके पास हार्ड कॉपी अवेलेबल है तो ऊपर वहाँ पर वर्स नंबर और चैप्टर नंबर होता है जहाँ से आप जल्दी सर्च कर सकते हैं और मेरे फ्लो के साथ आ, आपको बीच में कुछ समझ नहीं आया है या आप उसको वर्ड्स को आपको खोलने में टाइम लग गया या ऐसा कुछ है तो आप वीडियो कभी भी पॉज कीजिए या स्लो स्पीड पे देखिए और पॉज कर करके आ, आप वो वर्ड सर्च करके फिर से कंटिन्यू कर सकते हैं या फिर एक बार फिर से देखिए मेरा कुल मिला के कहने का पर्पज़ ये है कि है ना एक मॉडर्न जनरेशन एक जो है हमारी अनफॉर्चुनेटली ना यहाँ पे एक आ, फोक बॉय के टी शर्ट पे लिखा हुआ था मैं पढ़ रहा था डोंट गिव मी योर एटीट्यूड आई हैव माई ओन आपने पढ़ा होगा कहीं तो एक हमारा यंग जनरेशन का एक एटीट्यूड है हम जब स्कूल में बैठते हैं या कॉलेज में बैठते हैं तो कोई कोई टीचर्स ऐसे होते हैं आपने भी खुद एक्सपीरियंस किया हम वो आके बैठते हैं ना तो वो जो भी पढ़ाते हैं हमारा मूड होता है उनको काउंटर करना उनको काउंटर करना है बस वी लिसन टू रिप्लाई नॉट टू अंडरस्टैंड तो प्लीज स्पिरिचुअलिटी में भी अगर हम यही कॉन्सेप्ट लगाएंगे अनजाने में मैं नहीं कह रहा हूँ कॉन्शियसली करेंगे पर अनजाने में ये कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो ये समझने में मुश्किल हो जाएगी इसलिए दो इंपॉर्टेंट चीज हैं जो आप अम्ब्रेला रूल ध्यान रखिए भगवत गीता समझने में सबमिशन एंड इंक्वायरी मुझे याद है एक बार मैं एक मैगजीन पढ़ रहा था उसमें लिखा था थ्री थिंग्स आर वेरी डिफिकल्ट टू डू इन लाइफ थ्री थिंग्स फर्स्ट थिंग ट्राइंग टू क्लाइंब अ वॉल विच इज लीनिंग अगेंस्ट यू मतलब ऐसी दीवार पे चढ़ना जो आपकी तरफ ही झुकी हुई है बहुत मुश्किल है इट सेकेंड थिंग ट्राइंग टू हग अ गर्ल हु इज गोइंग अवे फ्रॉम यू इफ अ गर्ल हु इज गोइंग टू बी नाउ अवे फ्रॉम यू एंड यू आर ट्राइंग टू हग हर इट इज़ अ विथ ग्रेट फीलिंग्स ग्रेट न वेरी डिफिकल्ट एंड थर्ड थिंग लिखी थी ट्राइंग टू मेक सम अंडरस्टैंड हु हैज ऑलरेडी डिसाइडेड इन हिज माइंड नॉट टू अंडरस्टैंड मतलब आप किसी को समझाने की कोशिश कर रहे हो जिसने ऑलरेडी समझ लिया है मुझे तो काउंटर ही देने समझना ही नहीं है मैं नहीं कह रहा हूं आपका एटीट्यूड ऐसा है मगर कॉन्शियसली हमको ध्यान रखना है कि सोए हुए को जगाया जा सकता है लेकिन जो सोने का नाटक कर रहा है उसको जगाया नहीं जा सकता तो इसी तरह से हमको सबमिसिव मूड में रहना है लेकिन इंक्वायरी बहुत जरूरी है सबमिशन एंड इंक्वायरी बहुत आर इंपॉर्टेंट सबमिशन मतलब क्यों ये सब क्यों जरूरी एक सिंपल एग्जाम्पल आप समझिए आग जो है वो जलाती है है ना आग जलाती है आप आग में लकड़ी डालते हैं तो लकड़ी आग पकड़ती है अब सोचिए आपने उस लकड़ी को पानी में डुबाया और फिर आग में डाला क्या इमीडिएटली लकड़ी आग पकड़ेगी नहीं आप सोचो कि अरे ये क्या है आग 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 तो जलाती नहीं है अरे आपने लकड़ी को गीली कर दी फिर भी लकड़ी जलेगी लेकिन पहले वो लकड़ी सूखेगी जो लकड़ी का पानी वो इवेपोरेट होगा थोड़ा समय ज़्यादा लगेगा उसके बाद वो लकड़ी आग पकड़ लेगी तो आप लकड़ी को जितना ज़्यादा पानी में डुबा के रखोगे वो लकड़ी उतना ही ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब कर लेगी और उतना ही उसको जलने में समय लगेगा इसी तरह से आप अपनी कॉन्शियसनेस जितनी खराब करेंगे जितने उल्टे फुलटे काम करेंगे उतनी भगवत गीता समझने में आपको टाइम लगेगा और आपने अपने आप को पूरा ड्राई रखा लगा एकदम सूखी हुई लकड़ी तो ये कृष्णा कॉन्शियस ना आग के जैसे एक फायर है जैसे ही सूखी लकड़ी डालोगे इमीडिएटली आग पकड़ लेगी तो अपने आप को सुखा के रखिए ये मटीरियल ओशन में घीला मत हुई ठीक है जहां तक पॉसिबल है मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ एक हार्ड कॉपी ढूंढिए प्रुपाद गीता इज द लार्जेस्ट सेलिंग बुक इन टर्म्स ऑफ रिलीजियोसिटी इन होल वर्ल्ड इसलिए कहीं ना कहीं आपको अपने आस पड़ोस में कहीं फ्रेंड से पॉसिबल है तो हार्ड कॉपी ले लीजिए बहुत अच्छा रहेगा फिर भी नहीं हो पाती है तो नो प्रॉब्लम सॉफ्ट कॉपी से मैनेज कीजिए तो गीता इज मोर अबाउट योर रीडिंग इस गीता का इंट्रोडक्शन बहुत लंबा है आ, हो सकता है आपको पढ़ने में दो से तीन घंटे का समय लग जाए लेकिन पॉसिबल है तो प्रीफेस और इंट्रोडक्शन आई होप आपने पढ़ लिया होगा नहीं तो एटलीस्ट सारे ट्रांसलेशंस हर चैप्टर के पहले पढ़कर आइए ठीक है तो शुरू करते हैं भगवद्गीता में सबसे पहले जानने की एक इंटरेस्टिंग चीज़ है वो ये है कि श्रीला प्रभुपाद ने ये भगवद गीता बलदेव विद्याभूषण को डेडिकेट की है अगर आपने गोविंद देव जी का पास टाइम सुना हो या जयपुर में जो गोविंद देव जी मंदिर है उनमें बैठ कर श्रीला बलदेव विद्याभूषण ने गोविंद भाष्य एक स्क्रिप्चर लग के हमारा गौड़ीय वैष्णवा सिद्धांत जो है उसको स्टैब्लिश किया था तो इसलिए प्रभुपाद गीता को श्रीला बलदेव विद्याभूषण को डेडिकेट करते हैं उसके बाद एक आपको ब्यूटीफुल चीज देखने को मिलेगी शिला प्रभुपात के सिग्नेचर माय गॉड है ना एक सिग्नेचर की भी एक साइंस है आ, आ किसी के पर्सन के सिग्नेचर से पता चलता है कि उसकी पर्सनालिटी कैसी है और आप प्रीफेस के एंड में प्रभुपात के सिग्नेचर को ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए स्पिरिचुअल सिग्नेचर तो इंट्रोडक्शन पर मैं नहीं जाऊँगा आई होप दैट आपने पढ़ लिया है नहीं पढ़ा है तो पढ़ लीजिएगा तो चलिए इंट्रोडक्शन के लास्ट पेज पे आप जाएंगे तो डिसाइप्लिक सक्सेशन है वहां पर पूरी कृष्णा से लेकर शिला प्रभुपात आचार्य की कैसे ये भगवत इंट्रोडक्शन का लास्ट उसके उसके, पार्ट एकदम लास्ट पेज ठीक है तो शुरू करते हैं चैप्टर वन ऑब्जर्विंग द आर्मीज ऑन द बैटल फील्ड ऑफ कुरुक्षेत्र श्लोका वन धृतराष्ट्र उवाचा धर्म क्षेत्र धृतराष्ट्र संजय से क्वेश्चन पूछ रहे हैं धर्म क्षेत्र धर्म क्षेत्र क्यों बोला उन्होंने कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र कैसे बन गया अब बोलोगे कि कृष्णा वहां आए और मगर धृतराष्ट्र ने पहले ही उसको धर्म क्षेत्र कह दिया क्यों धर्म क्षेत्र क्यों कहा है क्योंकि ये वही जमीन है वही जगह है जहां पर परशुराम ने एक बार सारे गलत काम करने वाले क्षत्रियास का संहार किया था और उस वजह से वहां पर पांच खून के तालाब बन गए थे इसलिए इस जगह को श्यामंत पंचक भी कहा जाता है कुरुक्षेत्र को तो धृतराष्ट्र डर रहे हैं कि धर्म क्षेत्र है वो ये जगह तो धर्म क्षेत्र है. तो है कि कौरव धर्म की तरफ नहीं है पांडव धर्म की तरफ है तो धृतराष्ट्र डर रहे हैं अरे भाई ये धर्म क्षेत्र में खड़े हैं तो क्या किया इन लोगों ने क्या किया मतलब ऐसा क्यों पूछ रहे हैं क्या किया धृतराष्ट्र दोनों लड़ने के लिए आए तो लड़ाई करेंगे ना कौरव और पांडव क्या क्या क्यों पूछ रहे हैं क्योंकि धृतराष्ट्र को डर है कि कहीं धर्म क्षेत्र में खड़े होने की वजह से युद्ध जो दुर्योधन है उसका दिमाग फिर ना जाए वो युधिष्ठिर युद्धि युधिष्ठिर को किंगडम देना दे क्योंकि धर्म क्षेत्र का इन्फ्लुएंस होता है ना धर्म क्षेत्र में आने से आपको धर्मा की याद आती है आप धर्मा फॉलो करते हैं तो धृतराष्ट्र को डर लग रहा है इसलिए भले लड़ाई करने ही लड़ाई कर आए फिर भी पूछ रहे नहीं क्या किया धर्म क्षेत्र देखिए समझ आया तो धर्म पहला वर्ड है भगवतगीता का धर्म क्षेत्र एक वर्ड में कितना डीप मीनिंग है यह भगवदगीता नेक्स्ट नेक्स्ट लाइन में बोलते हैं धृतराष्ट्र माम कहा पांडवा से मतलब उसने अभी अलग कर दिया एक्चुअली ये सारे लोग उसी डायनेस्टी के कौरव हो या पांडव मगर भाई भाई को अलग कर दिया मेरे पुत्र माम कहा मेरे और दूसरे पांडवा दोनों को यही अलग कर दिया इससे धृतराष्ट्र की मेंटालिटी का पता पड़ता है तो संजय रिप्लाई करते हैं सेकेंड श्लोका में थर्ड श्लोका आ जाइए दुर्योधन थर्ड श्लोका में दुर्योधन बोलते हैं द्रोणाचार्य को जाकर देखिए आपके इंटेलिजेंट डिसाइपल ने आर्मी अरेंज की है आप द्रोणाचार्य को देखो दुर्योधन की क्रुक मेंटालिटी डिप्लोमेटिक मेंटालिटी क्या है दुर्योधन आके आ, कह रहा है द्रोणाचार्य को अपने गुरु को आकर क्या कह रहा है देखो आपके डिसाइपल ने सामने पांडवों की तरफ कैसी आर्मी अरेंज की क्यों क्योंकि पांडवों का कमांडर इन चीफ कौन है दृष्टद्युम्न द्रुपद का बेटा और द्रौपदी का भाई दृष्टद्युम्न क्यों द्रोणाचार्य दृष्टद्युम्न को कह रहे हैं द्रोणाचार्य को पता था कि दृष्ट दुम्न बड़ा होकर द्रोणाचार्य का वध करेगा उनको मारेगा फिर भी द्रोणाचार्य ना ब्राह्मणा है ब्राह्मणा प्रिंसिपल्स में रिजिड रहे और दृष्ट को सारी शिक्षाएं दी तो दुर्योधन आके द्रोणाचार्य को कह रहा है कि देखो आपने उसको सब कुछ सिखाया अब आपके सामने ही उसने बैटल फील्ड में सारा घोड़े हाथी सब जमाए और देखो वो आपको मारेंगे देखो क्या सिखाया आपने क्यों सिखाया ऐसे इनडायरेक्टली दुर्योधन की क्रुक मेंटालिटी यहां पता पड़ रही है ठीक है उसके बाद आ, अभी सेटिंग सीन सेट हो रहा है पूरा आज जो है भगवत गीता का बैकग्राउंड सेट हो रहा है जिस पे फाउंडेशन सेट हो रहा है जिस पे भगवत गीता चलेगी तो जो जनरल श्लोकास हैं उसको हम स्किप उनको हम स्किप करेंगे आप उनको पर्सनली पढ़ सकते हैं अभी एट्थ श्लोका पर आ जाइए एट्थ श्लोका में दुर्योधन कह रहा है क्या कह रहा है बहुत इंपॉर्टेंट है देर आर पर्सनैलिटीज लाइक योर ठीक है द्रोणाचार्य कौरवों की साइड कमांडर इन चीफ नहीं है फिर भी वो बोल रहे हैं योर सबसे सब पहले द्रोणाचार्य को नाम लिया क्योंकि अभी पहले बुराई की ना वापस खुश करने के लिए फिर भीष्म का नाम लिया क्योंकि भीष्म कमांडर फिर कर्ण का नाम लिया देखो सरप्राइजिंग कर्ण तो बैटल में है ही नहीं क्योंकि भीष्म पिता ने बोला था कि जब तक मैं नहीं मरूंगा तुम नहीं आ सकते फिर भी उन्होंने कर्ण का नाम लिया भीष्म पिता को टॉन्ट मारने के लिए कैसा एटीट्यूड है ना दुर्योधन का फिर नाम लिया कृपा कृपा का क्यों नाम लिया क्योंकि कृपाचार्य की बहन द्रोणाचार्य की वाइफ है कृपी तो द्रोणाचार्य को खुश करने के लिए उन्होंने कृपा का नाम लिया और दूसरा नाम लिया अश्वत्थामा देखिए लाइन से एट्थ एट्थ श्लोका अश्वत्थामा फिर द्रोणाचार्य का बेटा है द्रोणाचार्य को बहुत डाटा ना पहले इनडायरेक्टली तुम्हारे तो उसको खुश करने के लिए अश्वत्थामा का नाम लिया फिर नाम लिया विकर्ण का देखो एक एक नाम कितना इंपॉर्टेंट है विकर्ण का नाम क्यों लिया पता है क्योंकि विकर्ण एक इकलौता कौरवों में एक इकलौता सॉरी विकर्ण जो है वो कौरवों में एक इकलौता पर्सन था जिसने द्रौपदी का जब चीर था तब मना किया था मत करो सभा में ना वहां पे तुम ऐसे अगेंस्ट बोल रहे थे तो इसलिए विकर्ण का नाम लिया है मगर विकर्ण कोई बड़ा फाइटर नहीं मगर फिर भी इसलिए यहां पर विकर्ण का नाम लिया ठीक है समझ आया टेंथ श्लोका अभी भीष्म आ, को खुश करने के लिए यहां पर भीष्म को ग्लोरिफिकेशन करना क्योंकि पहले द्रोणाचार्य ने द्रोणाचार्य को ग्लोरीफाई किया टॉन्ट में मार दिया अब यहां भीष्म को खुश कर रहे हैं टेंथ श्लोका में वी आर परफेक्टली प्रोटेक्टेड बाय ग्रैंड फादर भीष्म हम सब प्रोटेक्टेड हैं क्योंकि भीष्म हमारे साथ हैं लेकिन अपोजिट साइड पे भीम है अब देखिए वहां का लीडर तो दृष्टिदेऊना था इन्होंने भीम का नाम क्यों लिया पता है क्यों क्योंकि क्यों सब जानते हैं कि भीम ने ही प्रण लिया है कि सौ के सौ कौरवों का नाश मैं करूंगा मैं दुर्योधन की जो थाई होती जांग उसको मैं तोड़ूंगा द्रौपदी को बैठने के लिए कहा था ना यहां पर मैं उसकी थाई तोड़ूंगा भीम ने प्रण लिया है ऊपर से भीम ने बोला है यह दुशासन ने द्रौपदी का चीरहरण किया है दुशासन की छाती चीरूंगा मैं प्रण लेता हूं दुशासन की छाती चीर के वहां का उसकी छाती का उसके दिल का खून पीऊंगा यह भीम ने प्रतिज्ञा लेती और उसके खून से द्रौपदी के बाल धोऊंगा तब मेरा प्रण पूरा होगा तो ऐसी खतरनाक प्रतिज्ञा भीम ने ली थी और सब जानते हैं भीम में दस हजार हाथियों की ताकत है वो ये कर सकते हैं और वो उन्होंने ऐसा किया तो इसलिए दुर्योधन भीष्म को याद दिलाने की सामने वो भीम है जिसने हमको मारने की प्रतिज्ञा ली है अब टेक्स्ट इलेवन भीष्म को ग्लोरीफाई किया कि हम सब भीष्म से प्रोटेक्टेड है तो इतने सारे वॉरियर्स अतिरथी महारथी रथी वो सब नाराज ना हो जाए तो आगे क्या कहा है कि देखो भीष्म है बट यू मस्ट गिव फुल सपोर्ट इलेवेंथ श्लोका यू मस्ट गिव फुल सपोर्ट टू भीषमा देखो भीष्म भी बुढ़े हो गए हैं भले ही वो हैं, मगर इसलिए आप सबको सपोर्ट देना है हा? ताकि सारे वॉरियर्स भी खुश रहे दूसरों को भी इंकरेज है, ठीक है अभी क्या है ये दुर्योधन इतना नाटक कर रहा था ना तो भीष्म पितामह ये सब में इंटरेस्टेड नहीं है किसी को ग्लोरीफाई कर रहे हैं तो भीष्म पितामा के दुर्योधन क्या चाहता है कि हम युद्ध शुरू करें मैं उनकी साइड हूं तो भीष्म पितामह ने ये सब छोड़ा और अपना शंख निकाला और सीधा ट्वेल्थ श्लोका में देखिए भीष्म पितामह ने अपना शंख बजा डाला युद्ध शुरू करो और दुर्योधन को खुशी हो तो भीष्म इनडायरेक्टली कह रहे थे कि आप तुम खुशी होना चाहते हो ना मैं तुम्हारी साइड हूं कुछ गड़बड़ तो नहीं आ रहे सब है लो मैंने शंख बजा दिया तो देखिए भीष्मदेव ब्लू हिज कॉन्च लाउडली गिविंग दुर्योधना ठीक है नेक्स्ट आ जाइए फोर्टीन श्लोका में अब फोर्टीन श्लोका में दूसरी साइड क्या चल रहा है यहां से संजय कुछ रीजंस बताएंगे कि युद्ध शुरू होना भी तो भगवती शुरू हुई है पांडवों की विक्ट्री पांडव की विजय निश्चित है कैसे फिक्स हुआ पांडवों की विजय निश्चित है रीजन है फोर्टीन श्लोका में सेकेंड लाइन देखिए पहला रीजन है नोट कर लीजिए अपनी नोटबुक में माधवा आई होप नोटबुक लेके बैठे हैं आप माधवा माधव मंथ मतलब माधवी के हस्बैंड अर्जुना कृष्णा को आ, क्या नाम से एड्रेस किया गया है यहाँ पर संजय ने माधवा माधवा मतलब माधवी के हस्बैंड लक्ष्मी के राधा रानी के हस्बैंड सॉरी हस्बैंड मतलब उनके कंट्रोलर राधा लक्ष्मी के हस्बैंड है लॉर्ड कृष्णा तो जिसकी साइड लक्ष्मी है जिसकी साइड फॉर्च्यून है भाग्य है लक्ष्मी को बोलते हैं ना भाग्य लक्ष्मी जिसके साथ भाग्य है उसकी जीत तो निश्चित है तो अर्जुना कृष्णा को पूरी भगवत गीता में ध्यान से सुनिएगा अलग अलग नाम से एड्रेस करेंगे वो वहां पे क्यों एड्रेस करते हैं उसका भी एक है है आज क्या होता है? हम एक दूसरे के नाम कुछ भी रख देते हैं चिंटू पिंटू जिनका कोई मीनिंग ही नहीं है लेकिन पहले के जमाने में किसी वर्ड से एड्रेस किया जाता है पर्सन को उसका एक पर्पज होता है तो यहां पर माधव बोला है कृष्णा को तो एक रीजन की पांडवों की विजय निश्चित है नेक्स्ट उसी लाइन में देखिए फोर्टीन श्लोका में दिव्यौ शंखो उनके शंख जो दिव्य है कृष्णा के शंख को दिव्य बोला ट्रांसेंडेंटल ये दूसरा रीजन है कि ट्रांसेंडेंटल पर्सनालिटी सामने है तो उनकी विजय निश्चित है फिर आप पढ़ लेना आगे आगे कौन कौन से क्या क्या श्लोका आ, क्या क्या शंख किस किसने बजा तीसरा रीजन 19वें श्लोका पे आ जाइए 19वां श्लोका हृदयानि व्यदारयत जब इधर की साइड पांडवों की साइड जब उन्होंने शंख बजाए तो इधर उनके दिल थरराने लगे कांपने लगे कौरवों के क्योंकि सब जानते हैं कि जीतेगा तो अर्जुन ही हम अर्जुन के आर्मी की साइड हैं हाँ टल फील्ड में उतर चुके हैं लेके आए ना सारा आर्मर हमारा आर्मर क्या है स्पिरिचुअल आर्मर आई होप चैंटिंग चल रही है और आपको जो भी बताया आप कर रहे तो हृदय हृदय उनके रिदया, अभी भीष्म ने ने कौरवों तो पांडवों के हृदय नहीं कापे बहुत कॉन्फिडेंट थे मगर जब इन लोगों ने पांडवों ने बजाया तो नाइनटीन श्लोका हृदयानिक विदारयत उनके दिल हिल गए और लास्ट फोर्थ रीजन पांडु की विजय निश्चित है और वो है बजरंग की वजह से देखिए ट्वेंटी श्लोका ट्वेंटी श्लोका में फर्स्ट लाइन का लास्ट वर्ड कपी ध्वज हनुमान जी के चैरियट हनुमान जी बैठे हैं कहां अर्जुना के चैरियट पे फ्लैग के ऊपर अब इसका भी एक रीजन है क्यों आए वो यहां पर शॉर्ट में आपको स्टोरी सुना देता हूं जब अर्जुना पाशुपतास्त्र लेने शिवजी की आराधना करने गए उस समय भीम और चार पांडव और द्रौपदी बोले चलो हम घूमने चलते हैं घूमने मतलब उस जमाने में यात्रा करने चलते हैं तो वो बद्रीनाथ की यात्रा पे गए बद्रीनाथ की यात्रा में अलकनंदा करके एक लेक है एक रिवर है अलकनंदा के किनारे द्रौपदी ने देखा कि सिल्वर के लोटस फ्लो हो रहे हैं सिल्वर के कमल फ्लो हो रहे हैं उसके पानी में

तो भीम ने पूंछ उठाने की कोशिश की ओह भाई दस हजार हाथियों की ताकत लगा दी बंदर की पूंछ ही नहीं हिली तो वहां पे कन्वर्जेशन हुआ रे ये बहुत लंबा चला मैं शॉर्ट शॉर्ट में आपको बता देता हूँ बाद में वो बंदर अपने असली रूप में आया वो हनुमान जी थे और हनुमान जी ने बोला भीम मैं तुम्हारी स्ट्रेंथ से और तुम्हारी प्रेयर से बहुत खुश हूँ मैं युद्ध में आऊँगा और मैं अर्जुन के रथ पे बैठूंगा अब भीम सोच में पड़ गया और आपको भी पढ़ना चाहिए अरे भगवान हनुमान जी मेरे से खुश हुए हैं भीम से खुश हुए तो भीम के रथ पे क्यों नहीं बैठे अर्जुन के रथ पे क्यों जाते क्योंकि हनुमान जी का दिल कहां है राम भगवान के पास। और राम भगवान कहा है अर्जुन के चैरियट पे इसलिए हनुमान जी अर्जुन के चैरियट पे बैठे क्योंकि नीचे कृष्णा और राम एक ही बात है नीचे राम भगवान वहां है इसलिए हनुमान जी भीम के पास नहीं गए भले भीम से खुश हुए गए अर्जुन के पास ठीक है तो ये चार रीजन मैंने आपको बताया कि फर्स्ट चैप्टर के शुरू में ही फिक्स हो चुका है कि पांडवों की विजय निश्चित है ठीक है अब देखिए ट्वेंटी फर्स्ट श्लोका में सेकेंड लाइन में आता है अर्जुन बोल रहे हैं पहली बार अर्जुन बोल रहे हैं अभी देखिए एड्रेस मैंने बोला ना हर क्या नाम से एड्रेस करते हैं उसका एक पर्पस है तो यहां पर उनको एड्रेस किया गया है अच्युता चुता मीन्स इसका फॉलन हो जाए जो गिर जाए अच्युता मतलब कृष्णा जो कभी गिरते नहीं क्योंकि अब अर्जुन को कृष्णा को बताना है कि इधर रथ लेके चलो उधर रथ तो अर्जुना ऑर्डर देने वाले हैं और कृष्णा लोअर पोजीशन पे तो अर्जुना बोल रहे हैं भगवान भले ही मैं आपको ऑर्डर देने वाला हूं मगर आप लोअर पोजिशन पर नहीं हो आप तो इनफेलेबल आप अपनी पोजिशन से कभी गिर ही नहीं सकते देखिए हमारे पॉलिटिशियंस है वो कभी भी पोजीशन से गिर सकते हैं मगर भगवान अपनी पोजीशन से कभी नहीं गिर सकते इसलिए भगवान को नाम दिया है अच्युत रथम स्थापया ट्वेंटी फर्स्ट श्लोका देख लीजिए अच्छुता तो रीजन है पच्चीसवे हाँ, श्लोका पर आ जाए ट्वेंटी फाइव कृष्णा ने अर्जुन को बोला पार्था पार्थ क्यों बोला है पार्थ मतलब प्रथा का पुत्र प्रथा मतलब कुंती और कुंती का भाई वसुदेव और वसुदेव के बेटे कृष्णा तो अर्जुन ध्यान से देखिए आप पॉज कर देना आपको समझ नहीं आया तो ट्वेंटी फर्स्ट और ट्वेंटी सेकंड श्लोका जो साथ में लिखे हैं उसके सेकंड लाइन में देखिए कामान अर्जुन बोलते हैं कि मेरे से युद्ध करने कौन आया मैं देखना चाहता हूं ठीक है और बाद में ट्वेंटी एट श्लोका अट्ठाईसवें श्लोका में कृष्ण अर्जुन बोल रहे हैं दृष्टवेम स्वजनम अट्ठाईसवें श्लोका में स्वजनम तो वो बोलने गए थे कि वो अर्जुन कृष्ण को बोले कि मेरे से लड़ने कौन आया है मैं देखना चाहता हूं मगर हुआ क्या जब अर्जुन वहां गए तो उसने कौन लड़ने अपने शत्रुओं को अपनी एनिमीज को नहीं देखा जब आए तो उन्होंने किसको देखा स्वजनम ट्वेंटी एट तो श्लोक दृष्टि में स्व उसने अपने रिलेटिव्स को देख लिया मगर ये बाद में देखा मगर इसके पहले ही इसके पहले ही पच्चीसवें श्लोक में कृष्णा अर्जुना को बोल देते हैं पार्था क्यों क्योंकि कृष्णा जानते हैं कि अभी मैं रथ लेके जा रहा हूं ये अपने एनिमीज को देखना चाहता था मगर जाके देखना किसको वाला है स्वजनम कृष्णा मेरे हार्ट में उनको ऑलरेडी पता है कि वो रिलेटिव देखने वाले हैं, इसलिए कृष्णा बोले तुम रिलेटिव देखने वाले हो तुम उनसे परेशान हो पहले ये जान लो कि तुम्हारा पहला रिलेटिव मैं हूं इसलिए कृष्णा ने बोला पार्था हम दोनों कजिन भाई हैं तो पहला रिलेटिव मैं हूं तुमको पहले मेरी बात सुननी है वो रिलेटिव्स देखिए अर्जुन ने बाद में रिलेटिव्स देखे कृष्णा ने पहले ही आई होप समझ आ रहा है से ऊपर से नहीं जा रहा कृष्णा ने पहले ही रिलेटिव्स देख रिलेटिव्स के साथ क्या होने वाला है अर्जुन का माइंड पहले ही समझ के पहले ही अर... कृष्णा ने अर्जुन को बोल दिया पार्था मतलब भाई भाई पहले हम भाई भाई हैं ठीक है फिर और कृष्णा ने स्वजनम को देखा और ट्वेंटी नाइन्थ श्लोका में अर्जुन बिविल्डर हो गया अपने रिलेटिव को देख के क्या हुआ बोलते गांडीवम सम ट्वेंटी नाइन्थ श्लोका कृष्णा मेरा जो आ, क्या बोलते हैं धनुष है बो एंड एरो वो गिर रहा है गांडीम अब कैसे गिर रहा है एक बैकग्राउंड एक स्टोरी बताता हूँ महाभारत के युद्ध में युधिष्ठिर महाराज एक बार कर्ण ने युधिष्ठिर को बहुत इंजर कर दिया जबरदस्त मगर कर्ण ने प्रॉमिस किया था कि मैं अर्जुन के अलावा किसी को मारूंगा नहीं तो युधिष्ठ को एकदम अधमरी हालत में छोड़ दिया तो युधिष्ठ घोड़ा लेके और युद्ध से बाहर निकल गए अपनी जान बचाने के लिए और वहां पर कैंप में थे अर्जुना को जैसे ही पता पड़ा तो वो बैटल छोड़ के युधिष्ठिर महाराज को देखने आया कि मेरे भाई को क्या हो गया तो युधिष्ठिर महाराज अर्जुन वापस आए तो क्षत्रिय कभी बैटल छोड़ता नहीं है मगर अर्जुन छोड़ के आ गए तो महाराज को लगा कि अर्जुन वापस आ गए क्या हुआ युद्ध खत्म हो गया तुम जीत गए अर्जुन बोले नहीं नहीं मैं तो आपको देखने आया युद्धिष्ठ बोलते हैं क्या तुमने क्षत्रिय धर्म का पालन नहीं किया तुम मुझे देखने के लिए आ गए अरे मैं तो अपने तु... युद्ध छोड़ के आ गए तो युधिष्ठ ने अर्जुन को बोला ये तुम्हारी गांडीव जो है फेंक दो इसको क्या काम की अर्जुन को बहुत गुस्सा आया अर्जुन बोला मैं प्रण ले मैं आपको मार दूंगा अभी नो तो कृष्णा बीच बचाव करने आया कृष्णा वाले अरे अरे शांत शांत सब मैं सवाल तो फिर बोला कि मैंने तो प्रण ले लिया तो कृष्णा ने बोला मेरे पास सोल्यूशन है आ, अपने से सीनियर्स को आप अब्यूज करें उनके बारे में गलत बोले उनको ब्लास्फेम करें इट इज एज गुड एज किलिंग देम अपने से बड़ों का अपमान करना उन्हें मारने के बराबर है तो तुम युधिष्ठिर का थोड़ा सा अपमान कर दो तुम्हारा प्रण पूरा हो जाएगा तो अर्जुन ने अपमान कर दिया थोड़ा सा युधिष्ठिर महाराज का और फिर माफी मांग ली तो उनका तो देखिए युधिष्ठिर महाराज ने बोला कि तुम इस गांडीव को फेंक दो तो अर्जुन को इतना गुस्सा आ गया कि अपने भाई को मारने का प्रण ले लिया वो गांडी, मतलब वो उनको अपना धनुष अर्जुन को कितना प्यारा था तो आप समझ सकते हो ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन ट्वेंटी नाइन्थ श्लोका में अर्जुन ने बोल दिया कि मेरा गांडीव गिर रहा है समझ रहे हैं अर्जुन की हालत कितनी खराब हो गई है वो गांडीव जिसको युधिष्ठिर महाराज ने ऐसे बोला तो अर्जुन इतना गुस्सा हो गए वो गांडी आज उनसे अर्जुन बोल रहे हैं मेरे से गांडी मेरा घिर रहा है मेरा ठीक है तो आप बाद में पढ़ेंगे डिटेल्स और क्या है श्लोका आप पढ़िए और कहाँ पे एड्रेस किया देखिए थर्टी फोर्थ श्लोका का लास्ट वर्ड मधुसूदना अर्जुन जब इंक्वायरीज कर रहे हैं तो कृष्णा को नया नाम दिया क्या नाम दिया मधुसूदना मधु जो डीमन था उसको आपने मारा है तो अर्जुन बोल रहे हैं अर्जुन कृष्णा को बोल रहे हैं हे भगवान आप को मारते हैं तो यह भी एक डीमन है मेरे अंदर डाउट डाउट का राक्षस मेरे अंदर आ गया प्लीज इसको मारिए इसलिए वो बोलते हैं मधुसूदना फिर थर्टी सिक्स में थर्टी सिक्स श्लोका के लास्ट वर्ड देखिए माधवा अर्जुन कृष्णा बोलते हैं माधवा मतलब आप 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 फॉर्च्यून के हस्बैंड हैं आप भाग्य लक्ष्मी के हस्बैंड हैं तो मेरे जीवन में अभाग्य क्यों ला रहे हैं मेरे को मारने के के लिए कह के। तो अर्जुन आप रीजन देते हैं वो क्यों नहीं लड़ना चाहते तो पहला रीजन है वो यहां पर देते हैं कंपैशन compassion. उनको कंपैशनेट फील हो रहा है कहां पर फील हुआ है ट्वेंटी श्लोका के ट्रांसलेशन में आप देखेंगे तो प्रोपर बोलते हैं उनको दया आ रही है सेकंड रीजन है थर्टी सिक्स श्लोका में आ, बोल रहे हैं सिन उनको पाप का डर लग रहा है फिर थर्टी नाइन्थ श्लोका में वो कह रहे हैं कि डायनेस्टी ख़त्म हो जाएगी तो क्या होगा मतलब इतने सारे जेंट्स मर जाएंगे तो इतनी सारी औरतें विडो हो जाएगी फिर उन विडो औरतों का रेप किया जाएगा तो आ, आ, जो पुत्र पैदा होंगे वो बिल्कुल सही से फॉलो नहीं करेंगे और ऐसे पुत्र पूरी डायनेस्टी खत्म कर देंगे हाँ उनके फोर फादर्स को पिंडदान क्या देगा तो पूरी सोसाइटी बर्बाद हो जाएगी तो देखिए ये अर्जुन का पॉइंट ऑफ व्यू है और उधर दुर्योधन दुर्योधन पूरा पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा है इधर ओ विकर्ण मेरे साथ है ना ओ भीष्म है द्रोणाचार्य है सामने कौन है मगर अर्जुन क्या देख रहा है रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से इससे आपको दुर्योधन की मेंटालिटी और कॉन्ट्रास्ट अर्जुन की मेंटालिटी का पता पड़ता है ठीक है तो इस तरह से वो डिस्कशंस करते हैं अर्जुन और कृष्णा दोनों अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं और फाइनली अर्जुना जो है वो अपनी गांडीव छोड़ देते हैं और युद्ध करने के लिए मना कर देते हैं और रथ पे बैठ जाते हैं और इस तरह से फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो जाता है अब देखिए अर्जुना की ऐसी सिचुएशन थी अब आप जाइए गीता की शुरुआत ऐसे हुई और गीता के आखिरी में 18वां चैप्टर सेवेंटी टू श्लोका क्या होता है एटीनथ चैप्टर का सेवेंटी टू श्लोका में क्या हो रहा है देखिए ध्यान से अब कृष्णा पूछ रहे हैं सब ठीक है अर्जुन सेवेंटी थ्री नष्ट मोह स्मृति कृष्णा मेरा इल्यूजन चला गया है एंड आई एम मेरे सारे डाउट का नाश हो गया है एंड आई एम रेडी टू फाइट तो ये भगवत गीता है पूरी क्या गीता है अर्जुन ने अपनी ड्यूटी करना छोड़ दिया बहुत अच्छे अच्छे रीजन भी दिए सबकी मेंटालिटीज पता बढ़ी अर्जुन की सिचुएशन इतनी खराब थी और ये गीता जो कृष्णा ने सुनाई उससे अर्जुना सेवेंटी थ्री श्लोका देखिए रेडी हो गया लड़ने के लिए भगवान आप जो कहोगे मैं तो ऐसा भगवान ने क्या कहा ऐसा क्या डिस्कशन हुआ ये पूरी भगवत गीता है तो ये हमको समझनी है ठीक है तो आप प्रॉपरली फॉलो कीजिए जो भी डाउट्स हैं घुमा घुमा के वीडियोस बार बार देख लीजिए जो आप जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं उनको अच्छे से फॉलो कीजिए तब आपको भगवत गीता बहुत अच्छे से समझ आएगी ठीक है तो विद दिस आई एम एंडिंग हियर इफ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज सेंड हरे कृष्णा ग्रंथरा श्रीमद भगवद गीता की जय जगत गुरु शिला प्रोपाद की जय हरे कृष्णा सब्सक्राइब टू टूर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू नेवर मिस एनी अपडेट्स